अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तानी ड्रामा चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल दिलरुबा के लास्ट एपिसोड की वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि सनम ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, आज उसको इस बात पर पछतावा है, लेकिन अब पछतावा उसके काम नहीं आ रहा। यानी कि इस ड्रामा सीरियल में हमें बताया गया है कि हमारे चंद एक गलत फ़ैसले हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से बर्बाद करके रख सकते हैं, हमारे घर वालों को बिगेड़ सकते हैं हमारे यही गलत फ़ैसले। और इन फ़ैसलों की बिना पर आप देख सकते हैं कि सनम की ज़िंदगी में कितनी मुश्किल आ रही हैं। मर्दों से दिल्लगी करने वाली सनम की ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई। यानी कि एक मर्द भी उसके हाथ ना आया, ना उनकी दौलत, बस वो अकेले और खाली हाथ रह गई हैं। इस ड्रामा सीरियल में हमने ये देखा कि कैसे सनम ने पहले शादी की रजी से, इसके बाद उसने शादी की खुरम से, लेकिन इसकी ज़िंदगी फिर भी ना संवरी। इस दौरान वो काफ़ी मर्दों से चक्कर चलाती भी रही, लेकिन इसके हाथ उस वक्त भी कुछ ना आया। अब ड्रामा सीरियल के अख्तिताम पर आप देखने वाले हैं कि सभी उससे कहता है कि सनम, अगर तुम दिल से माफ़ी मांग लो अल्लाह ताला से, तो तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। वक्त पर माफ़ी मांगने पर माफ़ी मिल जाती है, लेकिन अगर एक मरतबा वक्त गुजर गया तो ये माफ़ी तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी सनम। दोस्तों, मुमकिन तौर पर लास्ट एपिसोड में आप ये भी देख सकते हैं कि सभी शादी कर ले सनम से, क्योंकि वो पहले से सनम से मोहब्बत करता था, और अब सनम को भी एहसास हो चुका है कि सभी के बगैर उसको कोई और खुश रख ही नहीं सकता, और इस तरीके से वो दोनों एक हो जाएंगे और नई ज़िंदगी का आगाज़ भी कर लेंगे। पुप्पी भी सनम को माफ़ कर देंगी ये कहकर कि तुम मेरी पहली बेटी की बीवी थी, लेकिन फिर तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन अब तुम सभी की बीवी हो, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। आप बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।